हेलो एवरीवन, मी गुरपाल सिंह फ्रॉम स्पीरियर माइंड एकेडमी। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, इमेज फॉर्मेशन इन लेंस को करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको पता ही है कि दो लेंसेज होते हैं, एक कन्वेक्स होता है, दूसरा कनकेव होगा। तो कन्वेक्स की फॉर्मेशन ऐसी है और कनकेव की इस प्रकार है। अब फॉर्मेशन इमेज बनाने के लिए आपको उसके तीन से चार जो लो हैं वो पता होने चाहिए। तो वो फर्स्टली लो क्या है, पहला है पैरेलल टू फोकस, ठीक है। अगर पैरेलल है कोई मटेरियल तो वो फोकस हो जाएगा। क्या बोल रहा है वो, रे लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। तो इसमें क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अगर आपके पास लेंस है तो लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपकी रे पास कर रही है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस के बीच में से निकल जाएगी, प्रिंसिपल फोकस के बीच में से होके निकल जाएगी रिफ्लेक्शन होने के बाद उस लेंस के बीच में। तो ये इसका फर्स्ट है। तो इसको रिमेंबर करने का क्या तरीका है, पैरेलल टू फोकस, पैरेलल होगी तो फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। तो दूसरा जो लो है वो है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बोल रहा है अगर कोई भी रे आपकी फोकस से आएगी रिफ्लेक्शन होने के बाद लेंस में से, वो पैरेलल होके निकल जाएगी। तो ये बोल रहा है, ठीक है, अगर पैरेलल होगी तो फोकस से निकलेगी, अगर फोकस होगी से तो पैरेलल से निकल जाएगी। तो ये क्या, इसको रिमेंबर करने का तरीका फोकस टू पैरेलल है, ठीक है। तो इसके बाद इसका तीसरा है वो है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से लाइट पास कर रही है तो विदाउट एनी डेविएशन वो बिल्कुल उसकी इमर्ज हो जाएगी या आगे जाके पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये लेंस था हमारे पास, यहाँ पे सीधी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहां से हमारे पास एक रे आई, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, बिल्कुल सेंटर में जो होता है, ठीक है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करके निकल गई, ठीक है, और डेविएट नहीं होगी, चेंज नहीं करेगा अपना पाथ, बिल्कुल सही उसी वे में निकल जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक मैंने न्यूमेरिकली उठाया है, आपके टेबल बुक में है, तो उसमें से इमेज की फॉर्मेशन कैसे होगी वो है। तो इसमें क्या, उसने बोला था कि इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास फोकस ट्वाइस की पड़ा है, मतलब टू ऑफ एफ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। तो ये हमारे पास लेंस है, ठीक है, इसके पास ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसको मैंने इसीलिए उठाया क्योंकि यहाँ पे दोनों आ रहे थे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पास हुई, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, फिर वो फोकस से पास होके निकल गई। नेक्स्ट क्या है, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो बिल्कुल ही सीधा निकल जाएगी, डेविएट नहीं होगी, तो यहाँ पे जाके आपकी इमेज फोकस ऑफ सेकेंड लेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जाके इमेज बन जाएगी। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें है कि लेंस का फॉर्मूला क्या होगा एंड मैग्निफिकेशन वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता ही होगा कि फोकल लेंथ यू और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, ये सब आपको पता ही होगा क्योंकि ये हमने मिरर वे में किए हुए हैं, ठीक है। तो फोकस लेंथ को एफ बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू बोलते हैं और इमेज डिस्टेंस को वी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच में जो लेंस है वो है, सॉरी फॉर्मूला है वो है 1/v - 1/u = 1 of f, ठीक है। तो ये इसके पास फॉर्मूला है, हमारे पास मिरर में था, यहाँ पे पॉजिटिव और इसमें क्या है, नेगेटिव है। अब अगर मैग्निफिकेशन वैल्यू निकालनी होगी तो उसमें क्या है, m इक्वल टू h डैश अपॉन h, ठीक है, h डैश अपॉन h है। तो यहां पे क्या है, हाइट ऑफ इमेज h डैश को मानते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h को मानते हैं, यहां पे उनकी वैल्यू लिखो, कैंसिल करके आपके पास मैग्निफिकेशन वैल्यू आ जाएगी। अगर हाइट नहीं पता लग रही तो आप v और u भी यूज कर सकते हो, v आपको पता ही है इमेज की डिस्टेंस होगा और v क्या होगा,
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू करके आप मैग्निफिकेशन वैल्यू तब भी निकाल सकते हो। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर करवा सकता है, और रेस्ट अगर किसी को ऑनलाइन कोचिंग नहीं समझ आ रही तो वो ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकता है सुपीरियर माइंड अकेडमी से ही, ठीक है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड मोर कंसेप्ट्स।